दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉन्टैक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हों, मेंस दिला रहे हों, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हरिराम पटेल सर की बुक कंप्यूटर का चैप्टर 3 मेमोरी यूनिट के बारे में स्टडी किया। इसके पूरे डिटेल वीडियो हमने एक वीडियो में कवर कर लिए। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स CG व्यापम के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उससे भी रिलेटेड एक वीडियो हमने डिस्कस किया। टॉप 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, अब उससे आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा स्टोर कर सकती है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा स्टोर कर सकती है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार देख चुके हैं, तो अब तक आपको तो क्वेश्चन से याद ही हो गए होंगे। फ्लॉपी डिस्क की कुल स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB। याद रखिए, फ्लॉपी डिस्क की कुल स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB। तो इसके साथ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.44 MB। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी DVD। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रैम। रैम सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। याद रखिए, रैम प्राइमरी मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट कितने बिट के समान होता है, ये पूछा गया है। तो इस ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट और ऑप्शन डी है 32 बिट। तो याद रखिए, एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर, एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क CD में कौन सी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी प्रयुक्त की जाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, इसे पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन सी लेज़र और ऑप्शन डी मैकेनिकल। याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। याद रखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेज़र। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, डीवीडी का मतलब क्या है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल विजुअल डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वीडियो डिस्प्ले और ऑप्शन डी डिजिटल
सॉरी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए डीवीडी का फुल फॉर्म इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1 GB किसके बराबर है? 1 GB 1 GB किसके बराबर है? हमने सीक्वेंस में जो इसके डिटेल्ड वीडियो देखा था, कंप्यूटर मेमोरीज के डिटेल्ड वीडियो में हमने इन सभी को डिस्कस किया है। हमने बहुत अच्छे से GB, टेराबाइट, मेगाबाइट, सबको, किलोबाइट, सबको अच्छे से देखा है। तो इसका ऑप्शन है 1024 TB, 1024 KB, 1024 byte, 1024 MB, मेगाबाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? ऑप्शन ए सिर्फ रैम, ऑप्शन बी सिर्फ रोम, ऑप्शन सी सिर्फ प्रॉम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर मेमोरी में सभी होता है, रैम, रोम, प्रॉम, ये सभी कंप्यूटर मेमोरी में होते हैं, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट का आविष्कार किसने किया? आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि सेमीकंडक्टर है उससे बने होते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरमन हॉलरिथ, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी साइमन केशरा को, और ऑप्शन डी है जैक किल्बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैक किल्बी। याद रखिए आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था जैक किल्बी ने। मेरे साथ ही साथ आप भी इस क्वेश्चंस को बनाते हुए चलिए। अगर आपने इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो देखा है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? कंप्यूटर में कौन से मेमोरी के दर्शाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी DSL, ऑप्शन सी लैन, ऑप्शन डी CPU। तो याद रखिए कंप्यूटर रैम मेमोरी को दर्शाता है, याद रखिए कंप्यूटर रैम मेमोरी को दर्शाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, एरे की पहली तत्वों को स्मृति पता मेमोरी एड्रेस को क्या कहते हैं? एरे की पहली तत्वों के मेमोरी एड्रेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोर एड्रेस, ऑप्शन बी फाउंडेशन एड्रेस, ऑप्शन सी फर्स्ट एड्रेस, ऑप्शन डी बेस एड्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CG व्यापम ASO 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट एड्रेस। याद रखिए एरे की पहली तत्वों के स्मृति पता को फर्स्ट एड्रेस कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेमोरी चिप, ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, और ऑप्शन डी है सपोर्ट चिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क ड्राइव। PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है डिस्क ड्राइव, याद रखिए PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है डिस्क ड्राइव, बाकी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, सपोर्ट चिप ये सभी स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मृतियों में मेमोरीज में किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित मेमोरी में किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए SRAM, ऑप्शन बी DRAM, ऑप्शन सी ROM, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SRAM। याद रखिए SRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, याद रखिए SRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22.2510 का बाइनरी निरूपण है, 20.2510 का बाइनरी निरूपण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10110.01, ऑप्शन बी 10110.01। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है,
सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट कौन सी है, सबसे स्पीड मेमोरी कौन सी है, किस मेमोरी की स्पीड सबसे तेज है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए सीपीयू रजिस्टर, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। याद रखिए सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट है कैश मेमोरी, सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट है कैश मेमोरी, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है 854 का हेक्साडेसिमल निरूपण क्या है, 854 का हेक्साडेसिमल निरूपण क्या है, ऑप्शन है ऑप्शन ए 386, ऑप्शन बी 653, ऑप्शन सी 356 और ऑप्शन डी है 394। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 356। जो बाइनरी यूनिट का चैप्टर है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उस टाइम हम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको और डिटेल में याद करेंगे। अभी क्वेश्चंस आ गए हैं बीच में तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, बट इसको हम डिटेल वीडियो देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का पूरा नाम है, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्शन ए यूनिवर्सल सर्विस बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल स्पीड बस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा, अब तक आपने लोगों ने कर ही लिया वो पता, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट इज ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सीडी की भंडारण क्षमता को किससे मापा जाता है, एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की भंडारण क्षमता को किससे मापा जाता है, ऑप्शन है ऑप्शन ए किलोबाइट केबी, ऑप्शन बी मेगाबाइट एमबी, ऑप्शन सी गीगाबाइट जीबी, ऑप्शन डी टेराबाइट टीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगाबाइट, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है और सीडी की कुल भंडारण क्षमता कितनी होती है 700 MB, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68 है, सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है, एक बार फिर देखते हैं, सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन है ऑप्शन ए तेज सीपीयू, ऑप्शन बी छोटी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी बड़ी मैन मेमोरी और ऑप्शन डी अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो याद रखिए छोटी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है, छोटी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी हैंडशेकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइटिंग, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को राइटिंग कहते हैं, याद रखिए एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को राइटिंग कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल के नाम से जाना जाता है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीडी रोम, ऑप्शन बी डीवीडी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए इनमें से कोई भी नहीं नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है, ऑप्शन है ऑप्शन ए सीडी रोम, ऑप्शन बी CDRW, ऑप्शन सी DVD और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है, याद रखिए मैग्नेटिक टेप में सबसे अधिक स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क में होती है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क में होती है, याद रखिए मैग्नेटिक टेप में सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है, मैग्नेटिक टेप में हम सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं और कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा गतिशील होती है, कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा गतिशील होती है, याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी अस्थाई मेमोरी है। याद रखिए, वोलाटाइल किसको बोलते हैं? अस्थाई को। अपोजिट है, वोलाटाइल मतलब अस्थाई और नॉन वोलाटाइल मतलब स्थाई। वोलाटाइल मतलब अस्थाई और नॉन वोलाटाइल मतलब स्थाई। तो अस्थाई मेमोरी इनमें से कौन सा है? प्रॉम, रॉम, रैम, ईप्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी है, बाकी प्रॉम, रॉम, ईप्रॉम ये सभी वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, दैट मीन्स स्थाई मेमोरी है, याद रखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस साधन बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो याद रखिए, हार्ड डिस्क बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है। हार्ड डिस्क बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो इसके साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, बढ़ती स्टोरेज क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है। बढ़ती स्टोरेज क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है। ऑप्शन है, मैं इसको बता देती हूँ कि सबसे कम किसका रहता है, सबसे ज़्यादा किसका रहता है। तो याद रखिए, सबसे कम होता है CD, दैट मीन ऑप्शंस में CD 700 MB, DVD 4.7 MB, GB, और HVD ब्लू रे डिस्क का होता है 25 GB से ज़्यादा, और जो HVD है ये होता है 6 TB। तो इसमें सबसे कम कौन सा है? CD, देन DVD, देन ब्लू रे डिस्क, देन HVD। तो इसके साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किस स्थान पर निम्न कीबोर्ड का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जाता है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन, MS Word डॉक्यूमेंट में किस स्थान पर निम्नलिखित कीबोर्ड का बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए Ctrl+K, ऑप्शन बी Alt+K, ऑप्शन सी Shift+K, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+K। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+K। ये सभी क्वेश्चन MS Office से रिलेटेड हैं। MS Office में जब हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो ये सब MS Word, MS Access, MS Excel सभी को देखेंगे, तो ये सब क्वेश्चन हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। और अभी आ गए क्वेश्चन, तो इसको डील कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76 है, MS Excel वर्कशीट में सूत्र = 15/0 की गणना करने पर दिखाई देने वाली त्रुटि है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नल, ऑप्शन बी डिवाइड, ऑप्शन सी नेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, देन PD, देन HDD, याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है, सॉरी ए हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एवं जानकारी निम्नलिखित में अस्थाई रूप संग्रहित की जाती है। डेटा एवं जानकारी निम्नलिखित में अस्थाई रूप संग्रहित की जाती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेटा सब, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी CPU। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रैम। रैम में अस्थाई डेटा संग्रहित किया जाता है, याद रखिए, रैम में अस्थाई डेटा संग्रहित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, एक DVD का भंडारण क्षमता कितना होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4.7 TB, ऑप्शन बी 4.4
7 kg। चलिए एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 4.7 TB, ऑप्शन बी 4.7 kg, ऑप्शन सी 4.7 GB एवं अधिक एंड ऑप्शन डी 4.7 MB। तो याद रखिए डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है 4.7 GB से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, क्वेश्चन नंबर 81। सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या होती है? सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 MB, ऑप्शन बी 700 MB, ऑप्शन सी 1024 MB एंड ऑप्शन डी 2056 MB। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 700 MB। याद रखिए सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लू रे, ऑप्शन बी डीवीडी, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी जिप डिस्क। तो याद रखिए ब्लू रे, डीवीडी और सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क है, बट जिप डिस्क ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। जिप डिस्क ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, ऑप्शन बी डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, ऑप्शन सी सीडी तथा डीवीडी की मेमोरी समान होती है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की मेमोरी होती है 700 MB और डीवीडी की होती है 4.7 GB, तो डीवीडी की ही अधिक होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अस्थाई मेमोरी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंटर है। याद रखिए प्रिंटर एक अस्थाई मेमोरी का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी सीडी रोम, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। याद रखिए रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है। एक पर्सनल कंप्यूटर में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में किसका कार्य है? ऑप्शन है ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी मॉडर्न एंड ऑप्शन डी SMPS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SMPS, ऑप्शन डी SMPS इसका सही आंसर हो जाएगा। एक PC में विद्युत का वितरण SMPS का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी CD, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो याद रखिए ऑप्शन ए मॉनिटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 बिट तक, ऑप्शन बी 32 बिट तक, ऑप्शन सी 64 बिट तक और ऑप्शन डी है 128 बिट तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 बिट तक। याद रखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की इकाई होती है 64 बिट तक। शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट तक, याद रखिए। देखते हैं नोट इसमें, पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 32 बिट या 4 बाइट होती है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 या 8 बिट होती है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखते हैं नेक्स्ट, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। याद रखिए ऑप्शन ए, एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, एक किलोबाइट किसके समान है। एक किलोबाइट किसके समान है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1000 बाइटों के, ऑप्शन बी 1000 बिट्स के, ऑप्शन सी 1024 बाइटों के एंड ऑप्शन डी 1000 शब्दों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दैट इज 1024 बाइटों के बराबर है एक किलो बाइट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, एक MB मेमोरी है, एक मेगाबाइट मेमोरी किसके बराबर है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1024 किलोबाइट, ऑप्शन बी 2 to the power 10 बाइट, ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट सॉरी किलोबिट्स एंड ऑप्शन डी 1000 किलो बाइट्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 1024 किलोबाइट्स। याद रखिए 1 MB मेमोरी है 1024 किलोबाइट्स के। ये सभी क्वेश्चन मेमोरी की इकाइयां से पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इन सभी को आप बहुत अच्छे से रीड करके जाइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन ए 1 lakh, ऑप्शन बी 10 lakh, ऑप्शन सी 10 lakh 24,000 एंड ऑप्शन डी दैट इज 10 lakh 48,576। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 lakh 48,576। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, पूछा जा सकता है, नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। चुंबकीय डिस्क पर मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉस्फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए दैट इज आयरन ऑक्साइड। याद रखिए चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। नोट देख लेते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डेटा स्टोर किया जाता है। याद रखिए जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डेटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, रियल टाइम सिस्टम में ज़रूर होता है। रियल टाइम सिस्टम में क्या ज़रूर होता है, अनिवार्य है जिसका होना। ऑप्शन ए नॉन प्रीएम्पटिव कर्नल, ऑप्शन बी प्रीएम्पटिव कर्नल, ऑप्शन सी A+B दोनों एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिए रियल टाइम सिस्टम में प्रीएम्पटिव कर्नल होता ही है। ऑप्शन बी दैट इज रियल टाइम सिस्टम में प्रीएम्पटिव कर्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दैट इज ऑप्शन ए बर्निंग, ऑप्शन बी जिपिंग, ऑप्शन सी डिजिटाइजिंग एंड ऑप्शन डी रिपिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्निंग। याद रखिए CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी बड़ी इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी जो मेमोरी यूनिट है, कौन सी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन ए टेराबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट एंड लास्ट ऑप्शन डी गीगाबाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेराबाइट। याद रखिए टेराबाइट सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगम सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमित अभिगम सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क। तो याद रखिए ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप स्टोरेज मीडिया सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। याद रखिए मैग्नेटिक
टेप स्टोरेज मीडिया सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है। एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब सीपीयू क्या पता कर सकता है। ऑप्शन है 8 की मेमोरी लोकेशन, 16 की मेमोरी लोकेशन, 128 की मेमोरी लोकेशन और 32 की मेमोरी लोकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128 के मेमोरी लोकेशन सीपीयू पता कर सकता है। याद रखिए, नया टाइप का क्वेश्चन है, एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब है कि सीपीयू 128 मेमोरी लोकेशंस पता कर सकता है। याद रखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति किससे मापते हैं। ऑप्शन ए नैनो सेकेंड, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रति सेकेंड एंड ऑप्शन डी मेगाहर्ट्ज। तो याद रखिए, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज पे मापी जाती है। दैट इज़ ऑप्शन डी मेगाहर्ट्ज। याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मॉड्यूल एंड ऑप्शन डी रीड एक्सेस मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिए, रैम का सही मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जितने और भी क्वेश्चंस बाकी हैं उन सभी को कवर करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाता है तो उससे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको CG व्यापम, CGPSC प्री, CGPSC मेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल में विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।